तारीख की गुजरेगी ना, अगली 18, इससे 18 नहीं, अगली 18, उसके बाद ना बस पेपर एंड और डायरेक्ट व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा। काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, 4 या 5-6 दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। इलेक्शन के दिन के बाद अभी जाके मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। इलेक्शन पता नहीं आधी आ रही तब भी थे, मैं बीमार हो गया था यार, 3-4 दिन बीमार हूँ। आज मंगल है तो हिसाब लगा लो यार कितना टाइम रहेंगे। ऊपर से मैं स्कूल से 4 बजे छुट्टी होती है, मतलब होती 2 बजे लेकिन सर रोकते हैं, क्या पता 4 बजे छुट्टी आज भी हो, कोई पता नहीं है। तो ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा समझ नहीं आती क्या करूँ, इसलिए अब मैंने थोड़े कम कर दिए ब्लॉग। जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे 18 तारीख को, इस महीने की नहीं अगले महीने की, 18 तारीख को जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे उसके बाद डेली ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी देखते हैं क्या किया जा सकता है और भी बहुत कुछ, मैं आपको बताता हूँ वापस आके। अभी जाता हूँ स्कूल के लिए, वापस आके आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा स्कूल से वापस आ गया हूँ और अभी 3:30 होने वाले हैं, 2 घंटे का टाइम है, 3 घंटे एडमिशन भी जाना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी भूख लगी है। तो चलो चलते हैं। एक तो ये बोर्ड के पेपर के चक्कर में हम लोग इतना बना ही नहीं सकते यार। अभी भी मैं जल्दी सबक सुना के आया हूँ, मुझसे याद हो गया तो सुना लिया, इसलिए छुट्टी हुई, वरना नहीं होती थी। तो अभी काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, अभी ट्यूशन भी जाना है यार, कुछ टाइम नहीं मिलता। रात को मैं 7:30-8 बजे आता हूँ। अच्छा पानी पीने का घर लेकर आ गए, घर वापस ऊपर जाते हैं। अभी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, खाना वगैरह खाता हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। अच्छा भाई ट्यूशन जाने का टाइम हो गया तो अभी ट्यूशन के लिए निकलते हैं। पहले आप लोगों को एक बात बताते चलूँ, आप लोग में घुसले आए तो आज का ब्लॉग कुछ यही बताना, यही मैसेज था आज ब्लॉग में कि ब्लॉग थोड़े कम हो गए। अब ये वाला ब्लॉग भी शायद छोटा ही बने मेरे ख्याल से, तो ब्लॉग अब कम होंगे आएंगे, मतलब हो सकते कोशिश करूँगा मैं कि आए, ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएंगे, बीच में पसंद आएगी तो आ जाएंगे। तो हो सकता है कभी कभी मैं ब्लॉग बना लूँ तो वो ज़रूर आएंगे, और बाकी तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बीच में ब्लॉग आ रहे हैं आ रहे नहीं आ रहे। तो 18 तारीख की गुजरेगी ना, अगली 18, इससे 18 नहीं, अगली 18, उसके बाद ना बस पेपर एंड और डायरेक्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो बीच में ईद नहीं, बीच में ईद नहीं है, रोज़े होंगे 18 तारीख जो पेपर एंड होंगे उसमें रोज़े चालू होंगे मेरे ख्याल से, रोज़ों के भी कुछ ब्लॉग होंगे मेरे ख्याल से, मेरे बना लूँगा, देखेंगे। कुछ लोग बीच में मैं बनाता रहूँगा, टेंशन नहीं है, बनाऊँगा। अभी ट्यूशन के लिए निकलता हूँ, वापस आके आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा तो भाई ट्यूशन से वापस आ गई और अब समझ नहीं आ रही कुछ करूँ। मैंने क्या इतने दिन हो गया, साथ से भी नहीं मिलवाया आप लोगों को, साथ से भी मिलवाए रेहान से भी, साथ तो पता नहीं सो गया, रेहान नीचे है, पता नहीं कितना है, उसको ढूंढना पड़ेगा यार। चलो आता है तो मैं लुआएंगे, अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार, अभी मैं क्या करूँ, खाना वगैरह खाता हूँ और क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं यार। देखो यार पूरा टाइम ट्यूशन गुजार के आ गया, कुछ भी नहीं रहा, 8 बजने वाला, अभी इसके बाद क्या करूँगा, खाना खाऊँगा, नींद आएगी, फिर सो जाऊँगा, कल फिर से यही रूटीन। बस यही मैसेज आप लोगों को मैंने सुबह भी दिया था, 2 बार दिया था पहले भी और अभी फिर से दे रहा हूँ आपको। इंशाल्लाह 18 तारीख के बाद रेगुलर ब्लॉग आएंगे, लेकिन अभी कभी कभी आएंगे, बस कर लिया करो गुजारा यार, कोई नहीं होता रहता है कभी कभी, क्या पता कभी कभी 2 ब्लॉग एक साथ भी आ जाए। चलो अभी खाना खाते हैं, ब्लॉग से मिलते हैं। तो भाई यही था छोटा सा ब्लॉग और आप लोगों को मेरे जैसे बता दिया कि कुछ टाइम शायद ब्लॉग आए ना, बीच बीच में से कुछ ना कुछ दिन आ ही सकते हैं, हो सकता है कि आ भी जाए। तो ये बिल्कुल छोटा मोटा 5 से 4-5 मिनट का ब्लॉग होगा, तो
अगर आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर दो, वैसे क्या ही अच्छा लगा होगा, फिर भी अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। मिलता हूँ कल, नहीं कल क्या, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।